क्रिकेट की दुनिया में हर क्रिकेट फैंस के लिए बुधवार का दिन काफी चौंकाने वाला रहा। दरअसल दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स ने सभी को हैरत में डालते हुए अपने संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि डिविलियर्स ने हाल ही में आरसीबी के लिए आईपीएल सीजन 11 में हिस्सा लिया था। आरसीबी की ओर से वो दूसरे सबसे कामयाब बल्लेबाज भी रहे। उनके लिए कैच ने उन्हें नया नाम सुपरमैन दे दिया। डिविलियर्स को क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। मैदान की हर दिशा में समान महारत से शॉट खेलने की जो कला डिविलियर्स के पास है, इस कारण उन्हें खिताब दिया गया है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में ऐसे शॉट्स खेले हैं जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। यही कारण है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखने वाला हर कोई उनके इस फैसले से मायूस है। उन्हें लगता है कि उन जैसे शॉट्स अब कौन लगाएगा। डिविलियर्स ने लेकिन अपने संन्यास की खबरों से सभी को चौंका दिया। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर एबी डिविलियर्स ने कहा कि ये प्रिटोरिया में हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट सेंटर है। 14 सीजन पहले एक नर्वस युवा खिलाड़ी के तौर पर मैंने अफ्रीका टीम में कदम रखा था। आज उसी जगह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुरंत प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले रहा हूँ। अभी हाल ही में आईपीएल के ग्रुप स्टेज मैच में हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग करते हुए एबी ने बाउंड्री पर एक ऐसा अविश्वसनीय कैच लपका था जिसके बाद उन्हें स्पाइडरमैन सुपरमैन जैसे नाम दिए गए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।